तो क्या देख रहे थे कि मंथली कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ डेट नहीं था, मतलब सिर्फ क्या रहता था, मंथ लिखा रहता था। मेरे को पता है कि अभी सितंबर मंथ 30 तारीख का डेट है, 30 को ही है ना लास्ट, 31 का तो दिन नहीं है, 30 का है। तो हम लोग के हिसाब से हम लोग क्या सोचे कि सितंबर मंथ में अपना कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, खत्म होगा, यानी कि हम लोग 30 तारीख तक होल्ड कर सकते। ऐसा नहीं सोचना, अपना जो लास्ट एक्सपायरी है उस एक्सपायरी को ही मंथली कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, 30 तारीख को खत्म नहीं होगा। ये नहीं सोचना है सितंबर मंथ लिखा हुआ तो ये 30 तारीख को ही खत्म होगा, लास्ट एक्सपायरी कब है उस दिन ये खत्म होगा। अब ये मेरे को पता कैसे चले लास्ट एक्सपायरी कब है? ऐसे हम लोग देख रहे हैं कि 20 सितंबर है, 20 सितंबर में 7 दिन ऐड कर देंगे, कितना हो जा रहा है 20 के बाद 7 दिन, 27, यानी कि नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कितना तारीख को खत्म होगा, 27 तारीख को। तो सितंबर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट 27 तारीख को खत्म होगा, फ्यूचर लॉट भी 27 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा, 30 तारीख तक नहीं होल्ड कर सकते, 27 को खत्म हो जाएगा वो अलग। फिर इसके बाद अक्टूबर मंथ, मेरा अक्टूबर मंथ में मेरे को कैसे पता चलेगा किस दिन मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, 30 तारीख का या फिर 31 में, 31 तारीख का दिन होगा तो 31 तारीख को तो नहीं ना खत्म होगा। हम लोग कैसे पता करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, लास्ट देख रहे 18 प्लस 7 करेंगे कितना हो रहा है 25, यानी कि नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होगा, 25 तारीख को, यानी कि अक्टूबर मंथ का अगर फ्यूचर लॉट भी रहेगा तो कब एक्सपायर होगा वो, 25 को। ये नहीं कि 30 को एक्सपायर होगा, 31 का महीना तो 31 को एक्सपायर होगा, जो लास्ट एक्सपायरी है उसी दिन मंथली कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, एक्सपायर होगा। मेरे को पता कैसे चल रहा है कि एक्सपायर कब होगा, इसमें तो डेट नहीं लिखा है, लास्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट में 7 दिन ऐड कर दे रहे हैं, तो मेरे को क्या हो रहा है, रिजल्ट मिल जा रहा है। क्लियर है?